हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। सो मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ बच्चों, आप सबको मेरी आवाज जा रही है सबको? ठीक। काफी लोग आ चुके हैं बच्चों। हाँ, बहुत बढ़िया। मनीषा है, प्रबल है, नव्या और अमीषा। गुड आफ्टरनून बच्चों, सब कैसे हो? फिट एंड फाइन हो? सब लोग ठीक ठाक हो? खुश हो? एकदम से एंजॉय कर रहे हो? नीट और जेई की डेट्स और अपडेट के बारे में सब इधर उधर की बातें आ रही है ना, और बच्चे भी उसमें खूब मजे कर रहे हैं, इधर उधर जा करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्यों नहीं अपडेट कर रहे हैं, है ना। ठीक है, टाइम मत वेस्ट करो अपना यार इधर उधर। ठीक है, अपना सिर्फ पढ़ाई करो बच्चों। कंपटीशन इस बार और हार्ड होगा। जितनी भी आपको इस वक्त मुश्किलें नजर आ रही हैं और उससे ज्यादा मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी बच्चों जब आपका पेपर होगा। ठीक है, तो अपने पेपर के लिए बच्चों अपना जी जान सब लगा दें। सारी एनालिसिस मैंने कर रखी है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी वीडियोस इस पे बहुत ज्यादा नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है कोई और तो नहीं, लेकिन मेरे बच्चे तो डाइवर्ट होंगे ही होंगे, है ना। तो चलो बहरहाल क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का बायोलॉजी टीचर अजीम फारूकी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। सब लोग यार एकदम से मतलब शांति से क्वेश्चन करना बच्चों, और आंसर जरूर करना। जिसको जिसको आंसर पता होगा आंसर्स का रिप्लाई जरूर करना बच्चों। ठीक है, उससे ये रहेगा कि मुझे भी लगेगा कि आप लोग कनेक्टेड हैं। ठीक है, और सेशन को सब लोग बच्चों पहला काम करें कि पहले फुर्सत में लाइक कर दें। ठीक है, और जो भी सेशन में आए बच्चों वो लोग पहुंचते ही सेशन को लाइक कर दिया करें, ताकि आपको जो है बाद में लाइक ना करना पड़े। ठीक है, जल्दी जल्दी पहले फास्ट सब लोग लाइक कर दो, और जो भी अपने कलीग्स हैं या दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी आए और क्लास करें। ठीक है, उनको भी फायदे हों बच्चों। अब 2020 के ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बच्चों। और एक चीज और है कि ये क्वेश्चन सारे बच्चों आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की टॉपिक फर्स्ट जो 15 चैप्टर की फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चन भी फर्स्ट आपका है। वेरी गुड प्रबल, आपने बहुत सही आंसर दिया, पहले ही आंसर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ ग्लोब एग्जिस्ट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी बच्चों? बिल्कुल, कई बार मैंने लेक्चर के दौरान बच्चों कई बार ये बात आप लोगों को बताई थी, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया में डाइवर्सिटी ज्यादा है। ठीक है, और मदगस्कर में जाहिर सी बात है स्पीसी डाइवर्सिटी उतना नहीं है, हिमालयाज में भी उतना नहीं जितना सबसे ज्यादा बच्चों अमेजोन फॉरेस्ट में है। ठीक है, इसकी नंबरिंग भी हमने बता दी थी कि प्लांट और एनिमल्स में किसकी नंबर कितनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, सो फर्स्ट का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। सेकेंड की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट, रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग बच्चों स्पीसीज डाइवर्सिटी तकरीबन कितना है? 1.5 मिलियन या 20 मिलियन या फिर 50 मिलियन या फिर 7 मिलियन? बताओ बच्चों, सब लोग बताएं। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी तकरीबन कितनी है? ठीक है, ये भी हम लोग बच्चों डाइवर्सिटी इसमें क्या नाम है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हम लोग पढ़े थे 7 मिलियन। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मैंने कहा था कि तकरीबन ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में वो इतना है, और जिसमें से तकरीबन 1.5 to 1.7 मिलियन को अभी तक डिस्कवर्ड किया जा चुका है। मिलियन को अभी तक डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब किया जा चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सबको। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन? ठीक है, कौन है बच्चों सबसे पहले, सबसे कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है या फीचर है, कौन सा ऐसा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्पीसीज का प्लांट या एनिमल्स का एक्सटिंक्शन सबसे ज्यादा होता है बच्चों? ठीक है, और जब शुरुआत की थी तब भी मैंने कहा था अगर एक्सटिंक्शन की बात की जाएगी तो आप आंख बंद करके आंसर लगा दीजिएगा। एलियन स्पीसीज के इन्वेजन से? नहीं बच्चों, मैंने कहा था अगर किसी का घर छीन लिया जाए तो जाहिर सी बात है उसकी डेथ होना ही होना है, और वो खत्म हो जाएगा, वजूद उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है,
सो थर्ड कब इनकरेक्ट होगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये सबसे पहला क्वेश्चन तो सबसे पहली टॉपिक थी भी बच्चों, है ना, क्यों सबको पता है, ड्रॉट एंड फ्लड्स विभिन्न इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से भी है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव फिशेज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ क्लेरियस गैरिपेंस, मैंने कहा था ना इसके बारे में बताया था, वेरी गुड जशन, गुड आफ्टरनून, कोई बात नहीं जशन, ठीक है, अब से अभी लग जाओ, अभी चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना कि इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बच्चों इसको बैन कर रखा है ना, इसको बैन कर रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके पालन पे, ठीक है। इन रिवर यमुना कैन बी कैटेगराइज्ड एज कोर एक्सटिंक्शन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन या एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बच्चों क्या होगा आंसर, वेरी गुड, सब लोगों ने सही दिया है बच्चों, प्रबल ने भी डी दिया है, जशन ने भी डी दिया है, मनीषा ने भी डी दिया है और अमीषा ने भी डी दिया है, ठीक है। तो देखो यार क्लेरियस गैरिपेंस, ठीक है, बेसिकली ये वहां की स्पीसीज है नहीं, ये यमुना में नहीं पाई जा रही, और यमुना में ले जाकर के इसको डाल दोगे तो जो खास करके बच्चों ऐसी फिशेज हैं, ये कैट फिश है, क्लेरियस जिस फिश के कैटेगरी में आता है बच्चों वो है कैट फिश, ठीक है। तो कैट फिश ये, और दूसरी बात ये कॉर्नियोर्स होती है बच्चों, तो जो हर्बिवोर्स फिशेज हैं उनको ये खा जाएंगी, तो जाहिर सी बात है एक तरीके से एलियन एलियन स्पीसीज इन्वेजन के कैटेगरी में ये चला जाएगा, सो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई फिफ्थ क्वेश्चन, चलो अब जो नाम जो पहले आंसर देगा उसका नाम मैं लिख दूंगा, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने सबसे पहले क्या डिस्क्राइब किया था। गुड आफ्टरनून युवराज, शिवानी कौशिक आपने भी डी आंसर दिया है, वेरी गुड, जो बच्चे हैं सब लोग आंसर किया करो यार, ठीक है, और सब लोग बच्चों सेशन को लाइक कर दिया करो, जैसे सेशन में आया करो तो तुरंत आप लोग लाइक कर दिया करो, ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ा करो, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन था बच्चों, हेम्बोल्ट ने किस चीज को डिस्क्राइब किया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को या फिर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। मैंने बच्चों बहुत अच्छे से आपको बताया था कि स्पीसीज एरिया, जितना ज्यादा एरिया बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा स्पीसीज रिचनेस जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी। मेरी वॉइस जो है स्लो जा रही है, ठीक है ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, आज जबकि यहाँ पे लगा करके बोल रहा हूँ तब भी मेरी वॉइस स्लो जा रही है, चलो ठीक है। अब देखना थोड़ा वॉल्यूम अपना भी बढ़ाने की कोशिश करो शिवानी कौशिक, है ना। चलो बहरहाल वॉन हम्बोल्ट ने बच्चों क्या स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया के बारे में इन्होंने बताया था, इन्होंने कहा था कि जैसे 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 आप एरिया बढ़ाते जाओगे, ठीक है, एरिया जितना ज्यादा होगा बच्चों स्पीसीज रिचनेस उतना ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश की, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा बच्चों जो आपके कभी टेस्ट पेपर में सॉल्व करते हुए या कभी आपसे गलत हो जा रहे हो और उसका कंसेप्ट आज तक आपको उस चैप्टर का नहीं समझ में आया है, प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन को मैं बहुत, क्योंकि सारे क्वेश्चन पे अगर मैं फोकस करूंगा बच्चों, ज्यादा टाइम दे दूंगा तो फिर आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, और आप भी उतना सुनना नहीं चाहते हो ना जितना मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम आए वो जरूर बता दें, मैंने मोबाइल सामने रखा है, ठीक है, जैसे आपकी आपके कोई भी कमेंट्स आएंगे मैं उसको जरूर बताऊं, ठीक है। चलो पहली बात सिक्स क्वेश्चन में क्या है बच्चों, करेक्टली मैच पूछा है, ठीक है, एरन काइमा अपुंशिया में पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है, बिल्कुल इनकरेक्ट है बच्चों, ठीक है। एज ऑफ पिरामिड बायोम से रिलेटेड के पार्थीनियम, पार्थीनियम थ्रेट थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी, ठीक है, पार्थीनियम थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेटिफिकेशन पॉपुलेशन के लिए किया जाता है, ये भी आपका मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ओनली सी ऑप्शन बच्चों मैच हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं ना, पार्थीनियम को कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। चलो सेवेंथ क्वेश्चन, रेड लिस्ट कंटेन डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन, रेड लिस्ट में किस चीज का इंफॉर्मेशन होती है बच्चों, ठीक है, बताओ भाई। ऑल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स की, बिल्कुल इनकरेक्ट है, प्लांट्स हुज प्रोडक्ट्स आर इंटरनेशनल ट्रेड
बिल्कुल इनकरेक्ट है बच्चों हो, या थ्रेटेंड स्पीसीज को बच्चों खास करके रेड लिस्ट में जो इनडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको रखा जाता है। ठीक है, सेवेंथ का सबसे पहले प्रबल ने दिया है बच्चों आंसर, तो प्रबल का नाम मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब से मैं जो लोग पहले आंसर करेंगे उनका नाम जरूर मैं स्लाइड पे लिखूंगा। ठीक है, सो एट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, विच इज नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ये 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, आपका नेशनल इंडियन एनिमल कौन है। ठीक है, रेड डेटा बुक कब लिखी गई थी बच्चों, ये कोई मुझे बताएगा, 1963 में लिखी गई थी। ठीक है, रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट 1963 में लिखी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलो बहरहाल, इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल अगर कोई नहीं बता पाया तो समझ लो चुल्लू भर पानी में डूबना मरना। ठीक है, कौन है बताओ भाई, ब्लू वेल है या सी हॉर्स है या फिर गैंगेटिक शार्क है या फिर रिवर डॉल्फिन है, कौन है बच्चों बताओ भाई, डॉल्फिन। सबसे पहले एट का डी किसने दिया है, प्रबल ने ही दिया है। कोई बात नहीं मनीषा, कोई बात नहीं। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बस क्लास करती रहो, क्लास में रहो बस। ठीक है, तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसको हम लोग नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं बच्चों अपने इंडिया का खास करके। ठीक है, वो कहाँ पाई जाएगी बताओ, फ्रेश वाटर की, मैरीन वाटर में, फेरी। अच्छा हाँ, सुनो 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 सुनो, यहाँ पे रिवर डॉल्फिन को कह रहा है ना, एक बात बताओ, अगर आपसे कह दे मरीन डॉल्फिन को, एक बात कह रहे हैं, ऐसा नाम लिख करके दे दे आपको मरीन डॉल्फिन को, तो क्या ये आपकी नेशनल में आएगी। मैं दोनों ऑप्शन रख दूं, मैं यहाँ पे दोनों रख दूं, मरीन डॉल्फिन और रिवर डॉल्फिन, या मरीन डॉल्फिन और क्या नाम, फ्रेश वाटर डॉल्फिन। तो याद रखिएगा बच्चों, हमेशा फ्रेश वाटर डॉल्फिन जो है, जो खास करके नदियों में पाई जा रही है, स्पेशली कौन सी नदी बच्चों, आपकी गंगा हुई, ब्रह्मपुत्र हुआ। ठीक है, इन सब में जो पाई जाती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया, जो कि आपकी है शार्क। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। अब यार फिर वही क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, रिपीटेड है, जहां पर भी ये ऑप्शन मिलेगा बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, जब भी कभी ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाए तो आप हमेशा हैबिटेट लॉस को ही बताइएगा। अगर हैबिटेट लॉस आपके उसमें है और एक्सटिंक्शन पूछा है तो ये जान लीजिए कि 99% बच्चों चांसेस होंगे कि हैबिटेट लॉस एंड ट्रिक में, बट कहीं स्पेसिफाई ना किया हो किसी चीज को, किसी एनिमल किसी प्लांट को स्पेसिफाई ना किया हो, तो फिर वही होगा आंसर। शिवांश ढोकले, आपने आंसर कुछ लिखा यार, लेकिन अब डिलीट कर दिया तो मुझे दिखा नहीं। ठीक है, बहरहाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल, ठीक है, क्या होगा बच्चों, फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा। मैंने बहुत अच्छे से इसका एग्जाम्पल दिया था कि किसी का घर छीन लो तो वो विलुप्त हो जाएगा कुछ समय बाद। ठीक है, टेंथ की बात करते हैं बच्चों, स्पीसीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन इमीडिएटली फ्यूचर इज कॉल्ड। ठीक है, कोई ऐसी स्पीसीज है जो बच्चों फ्यूचर में बहुत मतलब वो एक्सटिंक्शन के बहुत करीब खड़ी हुई है, उसकी नंबर कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, बहुत जल्दी एक वक्त आ जाएगा कि वो खत्म हो जाएंगी, तो उनको आप क्या कहेंगे, वॉलोनरेबल कहेंगे या फिर एंडेमिक कहेंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहेंगे या फिर उनको एक्सटिंक्ट कहेंगे। ठीक है, बताएं, आंसर करें आप लोग। बताओ भाई, टेंथ का सी, टेंथ का बी प्रबल ने दिया है, प्रबल सही कर लो आंसर, इनकरेक्ट है प्रबल। सबसे पहले नव्या ने दिया है इसका आंसर। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली जो एकदम मतलब समझ लो कि ये बॉन्ड है और इस बॉन्ड पे आकर के खड़ी हैं, अब बस इस लाइन को जो है बच्चों, इस बैरियर को ये क्रॉस कर देंगे अगर, तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट का मतलब जो खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, इंडेमिक तो मैं बता चुका हूँ यार, इंडेमिक कौन होती है, वॉलनरेबल, तो वॉलनरेबल जो मतलब एक तरीके से एक्सटिंक्शन के करीब है, लेकिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो जा करके उस बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं और उसके बाद में वो तुरंत एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, उनको आप इमीडिएटली इमीडिएटली उनको जो है कंजर्व करिए, उनको उनका केयर करिए, अदरवाइज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, तो उनको हम लोग क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा बच्चों। 11th की बात करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेज द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज, वो
उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसने रेड लिस्ट को पब्लिश किया था। कौन है बच्चों, बताओ भाई। ठीक है, कौन है बच्चों, किसने किया था? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है बच्चों? IUCN है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन, मैंने बताया था उस वक्त ना बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन, यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, WCU भी कहते हैं, WCU भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। WCU का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है। सो WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11th और 12th की बात करते हैं बच्चों। गिवन बिलो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, व्हाट ग्रुप्स ऑफ द प्रोपोर्शन ए टू डी रिप्रेजेंट्स रेस्पेक्टिवली? ए बी सी और डी, सबको बताना है, बताओ जल्दी से। सेशन को लाइक कर दिया करो बच्चों, आप लोग जैसे आया करो सेशन में लाइक कर दिया करो, ठीक है। बताओ भाई, 12th का बताओ जल्दी से फास्ट। ए क्या है बच्चों? इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। देन बी क्या है बच्चों, आप जाकर के देखिएगा, उसको मैंने याद करने का तरीका भी बताया था बच्चों, ये मोलस्क हैं, मोलस्क हैं। और उसके बाद में आपका सी जो है बच्चों, क्रस्टेशियंस हैं, और ये अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, और ये क्रस्टेशियंस, ठीक है। सो ए इंसेक्ट्स हैं, बी क्रस्टेशियन नहीं है बच्चों, ये क्रस्टेशियन नहीं, मोलस्क, इंसेक्ट, मोलस्क, क्रस्टेशियन, अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है। क्यों, किसी को प्रॉब्लम है? 12th का डी सबसे पहले जशन ने दिया है ना। चलो जी, 13 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग ग्लोबल बायोडायवर्सिटी? सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी पाई जाती है? फंजाई, मॉसेस एंड फर्न्स, एल्गी एंड लाइकेन्स, बताओ, याद करो इन सब में। बताओ भाई, सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी किसकी पाई जाती है? फंजाई और ब्रायोफाइट्स दिए हुए हैं, ठीक है, एल्गी दिए हुए हैं और लाइकेन्स दिए हुए हैं। सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी किसकी है इनमें बच्चों? फंजाई की है, ठीक है। 13th का क्या हो जाएगा? ए फर्स्ट हो जाएगा। किसने दिया सबसे पहले दिया है? 13th का ए जशन ने दिया है, ठीक है। 14th की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया में किसकी पाई जाती है? मैंगो, वीट, ग्राउंड नट या राइस की, जल्दी बताओ। तकरीबन 50,000 स्पीसीज पाई जाती हैं किसकी बच्चों? मैंने बताया था ना उस वक्त कि 50,000 स्पीसीज पाई जाती हैं उनकी। प्रबल आपने बी कहा है, नहीं यार याद रखिएगा प्रबल, वीट की, वीट की उतनी ज्यादा वैरायटीज नहीं है जितना राइस की है। राइस की सबसे ज्यादा है, तकरीबन 50,000, 50,000 स्पीसीज इनकी पाई जाती है राइस की, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडिया में राइस की है। सो 14th का डी किसने दिया सबसे पहले? जशन ने ही दिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, सब लोग आंसर किया करो यार, जितने लोग रहो आंसर जरूर किया करो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। गलती करोगे बच्चों तभी तो फायदा है, एक बात समझ लो, आप लोग अगर गलती कर रहे हो ना तो इसको अदर वे में मत लेना कि मुझे नहीं आता है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ बच्चों कि आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो तब भी आप जरूर क्लास किया करें, ठीक है।
विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश रेड डेटा बुक, वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों, ठीक है। किसने पब्लिश किया था? आईयूसीएन ने किया था। आईयूसीएन का फुल फॉर्म लिखने की अब जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मैंने पहले ही कहा है, ठीक है। ए सबसे पहले 15 का ए किसने दिया है? जशन ने ही दिया है, तो जशन का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड। 16 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पीसीज इन नेचर पूछ लिया, चलो भाई बताओ, ठीक है। इन नेचर को या जो भी कहो, सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन का रिपीटेशन है, लेकिन यहाँ पर एक उससे बड़ा, मतलब कहते हैं ना, शेर को समझ लो सवा शेर मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन बदल जाएगा यहाँ पे, है ना। वहां पे शेर तो चलो फंजाई था, लेकिन यहाँ पे उससे भी बड़ा कोई है, सवा शेर यहाँ पे मौजूद है। तो क्या हो जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी किसकी होती है? इंसेक्ट्स की होती है, तकरीबन ये समझ ले बच्चों 7 लाख स्पीसीज शायद है। हाँ, 7 लाख स्पीसीज पाई जाती हैं इंसेक्ट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो कि उसके सामने सवा शेर ही है वो। 16 का आंसर सबसे पहले दिया है जशन ने ही, ठीक है। चलो जी, 17 की बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट, बायोडाइवर्सिटी ज्योग्राफिकल रीजन में रिप्रेजेंट करती है किसको बच्चों? एंडेंजर्ड स्पीसीज फाउंड इन द रीजन, या फिर उसके बाद में द डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन, ठीक है। ये तो सही बात है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इन डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ द रीजन, या स्पीसीज एंडेमिक, ठीक है। बताओ जल्दी से, सोच समझ के बच्चों आंसर दिया करो। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग कोई बात नहीं मनीषा, ऐसा होता है। देखो सुनो मेरी बात, आप लोग बच्चों आराम से पढ़ करके क्वेश्चन को आंसर करिए, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं, आप आराम से आंसर करिए, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों? इंडेंजर डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो उसकी डायवर्सिटी कहलाती है बच्चों। सो 17 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 की बात करो, आराम से बच्चों पढ़ करके दीजिए आंसर, इतना जल्दी इतना फास्ट आंसर देने का मतलब नहीं है, ठीक है। स्टडी ऑफ फोर स्टेटमेंट, आप चारों स्टेटमेंट को पढ़िए गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट, दो इसमें से टू करेक्ट वंस ऑफ आउट ऑफ देम, ठीक है। ये चार ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से दो करेक्ट है, वो करेक्ट कौन कौन से हैं आपको यही पहचानना है, ठीक है। ए लायन ईटिंग डियर एंड स्पैरो फीडिंग ऑन ग्रेन इज इकोलॉजिकली सिमिलर सिमिलर इन बींग कंज्यूमर्स, ठीक है। एक लायन जो है डियर को खा रहा है, एक स्पैरो सीड्स को खा रही है, जाहिर सी बात है दोनों कंज्यूमर्स हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रीडेटर स्टारफिश डिजास्टर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ सम इनवर्टिब्रेट, सही बात है बच्चों। इसके बारे में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल मेंटेन करते कुछ इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज को, तो ये भी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। प्रीडेटर्स अल्टीमेटली लीड टू एक्सटेंशन ऑफ प्रे स्पीसीज, प्रीडेटर्स की वजह से प्रे स्पीसीज अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगी, ये बात बिल्कुल एनसीईआरटी इसको डिसप्रूव कर रही है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सच एज निकोटीन और स्ट्राइकिन बाय द प्लांट आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं बच्चों, ये सब तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट आपका फर्स्ट एंड सेकंड है बच्चों, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले दिया था बच्चों डी ऑप्शन दिया हुआ है जैसा, ठीक है। सो 18 का डी हो जाएगा बच्चों। 19 की बात करते हैं। द इंडियन राइनोसोरस इज ए नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट्स, ठीक है। किस इंडियन स्टेट्स में नेचुरल ये पाया जाता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आसाम, बताओ भाई कहाँ पाया जाता है राइनासोर्स बच्चों? किस में पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है बच्चों? आपको पता होना चाहिए, आसाम में, ठीक है। आसाम, सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, आसाम, ठीक है। और 19 का आंसर किसने दिया है? 19 का डी 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 सबसे पहले दिया है 19 का डी, 90 ने।
ठीक है चलो 20th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डायवर्सिटी इन इंडिया, सबसे ज्यादा जेनेटिक डायवर्सिटी इंडिया में किसकी पाई जा रही है। ठीक है अब देखो यहाँ पर उसका नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है ओके यहाँ पर बच्चों राइस का नाम नहीं दिया हुआ है, वीट है, मैंगो है, टी है और टीक है। ठीक है तो फिर ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे घुमा रहा है इस चैप्टर में, ठीक है सो क्या हो जाएगा बच्चों जल्दी बताओ। मैंगो, मैंगो की सबसे ज्यादा डायवर्सिटी मतलब स्पीसीज पाई जाती है इंडिया में। अरे यार अगर आपको नहीं पता ना तो आप जा करके, इस वक्त मैंगो का सीजन भी है बच्चों, आप जाइए मार्केट में, आपको इतनी वैरायटीज के मैंगो मिल जाएंगे, जो मैंगो बेचने वाले लोग हैं उनसे आप बात करिएगा, तो आप खुद जिस जगह के हैं बच्चे, जितने लोग हैं आप लोग खुद सोचिए, कम से कम 10-15 तरीके की वैरायटीज तो आप सबकी जगह पे पाई जा रही हो। ठीक है सो सही बात है राणा चौहान, देर कर दी आते आते है ना। 21 की बात करते हैं, ठीक है देखो यार इस तरीके से बजाने की कोशिश की है 2008 में आपको। द टेबल गिवन ए पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ 10 स्पीसीज एजे, ठीक है ऑफ इन फोर एरियाज पीएस कंसिस्टिंग ऑफ द नंबर ऑफ हैबिटेंट्स गिवन विद इन द ब्रैकेट अगेंस्ट ईच, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन क्वेश्चन विच फॉलो, ठीक है कौन उसको फॉलो कर रहा है आपको इसी हिसाब से बताना है। ठीक है तो स्पीसीज एंड देयर पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स इन देयर इन द एरिया, ठीक है यहाँ पे कह रहा है विच एरिया ऑफ पी एंड एस शो मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी, कौन सा एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाएंगी, पी क्यू आर एस दिया हुआ है और इसी में से आपको बताना भी है बच्चों कि किस में सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, तो इस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स की जो है एनिमल्स पाए जा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं। ठीक है तो आप सबको कैलकुलेट करके देखिएगा, जैसे देखो स्पीसीज एंड देयर पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स इन द एरिया, ठीक है तो ए को देखो यहाँ पे 2.3 है, बी 1.2, मतलब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अच्छा भैया अब कर दे रहे हैं युवराज, अब की बार कर देंगे नाम तुम्हारा। ठीक है तो देखो यार अब इसमें देखो 2.3, 1.2, इस तरीके से आप देखते जाए ना, तो क्या नाम है एस वाले में देखेंगे ना, तो देखो यार पहली बात तो 3.2, 10 point, मतलब इसकी नंबर ही ज्यादा है, तो नंबर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है टोटल कैलकुलेशन भी कर लेंगे तो इसी का ज्यादा मिलेगा आपको, सो जाहिर सी बात है स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने में ही ज्यादा लग रही है इसकी, है ना, सो वही होगा ही आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है युवराज अब की बार लिख दूंगा, ठीक है पीड़ित ना हो यार, है ना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों सब लोग सेशन को लाइक कर दिया करो यार, आप लोग सब लोग क्लास में रहते हो लेकिन बाद में भाग जाते हो क्लास से और सेशन को लाइक नहीं करते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एक्सोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इसमें से कौन सी बच्चों एक्सोटिक स्पीसीज का पेयर है इंडिया में जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है, लंताना और लंताना कैमरा, मतलब वो कैमरा मत पढ़िएगा यार फोटो खींचने वाला, ठीक है लंताना कैमरा और वाटर हाइसिंथ और प्रोसोपिस और उसके बाद में नील पर्च और पाइकस, और पाइकस तो पाइकस तो है नहीं यार, है ना, तो आप लोगों को तो आंसर मिल गया होगा फर्स्ट, है ना 22 का फर्स्ट होगा, तो किसने दिया है 22 का ए भाई, पहले देख लेते हैं सबसे पहले किसने दिया है, नव्या ने दिया है ना, नव्या ने दिया है। 23 की बात करें, वन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स इज दैट, इंडिया में सब कौन इंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट है बच्चों, ठीक है ऑसिमम है या गार्लिक है या नेपेंथिस है या पोडोफाइलम है, बताओ भाई। कौन है बच्चों, पोडोफाइलम है, पोडोफाइलम ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था, एक तरीके से ये मेडिसिनली इंपॉर्टेंट था बच्चों, ठीक है लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में इंडेंजर्ड हो चुकी है पोडोफाइलम की स्पीसीज, ऑसिमम तो प्रेजेंट टाइम में है ही, गार्लिक भी है, नेपेंथिस भी है, ठीक है तो ये नहीं है। ठीक है सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 23 का।
अच्छा 23 का किसने दिया है भाई, देख लो जल्दी से। 23 का दिया है अमीशा ने सबसे पहले, मुझे जो दिख रहा है। ठीक है, अमीशा ने सबसे पहले दिया है। सो 24 की बात करते, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एन एनिमल एंड एंड प्लांट रिप्रेजेंट्स इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म इन इंडिया, इसमें से कौन है जो इंडेंजर्ड प्लांट है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मनीषा, कोई बात नहीं। बताओ यार, बनियान, बनियान एंड ब्लैक ब्लैक डक इनकरेक्ट है बच्चों। बेंटिंकिया, ये तो यार सब मतलब रेड पांडा, तो नाम रेड पांडा का तो वो दिया रहता है, लेकिन क्या नाम है इसका, नाम नहीं दिया हुआ। ठीक है, सो ऐसा करते हैं ना, सुनो मेरी बात। 2010 तक के ही करते हैं क्वेश्चन, 2010 तक की करो यार, उससे ज्यादा ना करो, क्योंकि सब यही सब आपको नाम ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, और नाम मिलेगा आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, परेशान ना हो इस वजह से, 2010 तक ही रखो। ठीक है, मुझे लगता है ऐसा। अकॉर्डिंग टू IUCN स्टेटस ऑफ रेड पांडा, रेड पांडा का नाम है बच्चों आयलोरस और फुलजेंस। ठीक है, आयलोरस फुलजेंस क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वल्नरेबल है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है या इंडेंजर्ड स्पीसीज है, बताओ भाई। 2005 तक रखते हैं, चलो 2005 ही तक रखते हैं। ठीक है, उससे नीचे जाओगे तो फिर ऐसे ऐसे नाम सुनोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे जो आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों। ठीक है, तो आउट ऑफ द सिलेबस मत पढ़ो, ना पढ़ने की जरूरत है आप। ठीक है, 2010 के पहले के ही क्वेश्चन आएंगे, अभी कभी भी बाद में के नहीं आएंगे। ठीक है, मैं हमेशा बच्चों 2010 के ही लगवाता हूँ, उससे नीचे के क्वेश्चन नहीं लगवाता, लेकिन आप लोगों को लगवा दे रहा हूँ, कोई बात। ठीक है, चलो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं बच्चों। 36 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसकी। अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 इज कॉल्ड, क्या कहा गया था उसको बच्चों? फॉर इमीडिएट स्टेप टू डिसकंटिन्यू द सीएफसी दैट वेर डैमेजिंग ओजोन लेयर, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्लोबल वार्मिंग, या फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स या इट्स एक्सेस। बहुत आसान है यार, मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया था आपको, है ना, बहुत अच्छे से बताया था आपको। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या था समिट को, क्यों किया, जो रियो डी जेनेरियो में की गई थी बच्चों, ठीक है, 1992 में, वो क्या था, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और उसके बेनिफिट्स को यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, 37 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एन इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब आ गया सवाल। ठीक है, इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन याद रखिएगा, अगर आपको याद नहीं हुआ होगा बच्चों, जिन लोगों ने ठीक है उस दिन लेक्चर करने के बाद उसको हल्के में ले लिया होगा, फिर वही जानेंगे, उनका काम जानेगा, मैं उसके आगे कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि बच्चों वहां से क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाएंगे। इसमें से कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल नहीं है, नॉट ए मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, सैक्रेड ग्रुप, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज या बोटानिकल गार्डन, क्या होगा भाई? बॉटेनिकल गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन किस चीज का है ये, कह रहा है नॉट इन सीटू, जो इन सीटू का नहीं है बच्चों। ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन एक्स सीटू कंजर्वेशन का है, ऑफ साइट कंजर्वेशन। ठीक है, हाँ, किसने दिया आंसर जी? 37, 37 का डी दिया है नव्या ने। ठीक है, हाँ जी, 38 की बात करते हैं, वेस्टर्न घाट हैव लार्जर नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एंड दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल यू सी द नोटिफाई सच स्पीसीज। ठीक है, एंडेमिक, वल्नरेबल, थ्रेटेंड या फिर कीस्टोन, क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे बच्चों? वेस्टर्न घाट में कुछ प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज हैं जो कि कहीं और नहीं पाई जा रही हैं, तो उनको क्या कहोगे? याद रखिएगा, कैसी स्पीसीज हैं वो, एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज आपकी कंगारू है कि नहीं है, ठीक है, कंगारू राइट है कि नहीं है, एंडेमिक स्पीसीज जो पार्टिकुलर एक जगह पे पाई जा रही हो और कहीं ना पाई जा रही, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। कीस्टोन स्पीसीज किसे कहते हैं? ऐसी स्पीसीज जिनका नंबर मास कम हो बट उनका उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो, तो उनको हम लोग की स्टोन कहते हैं। वल्नरेबल, जो एक्सटिंक्शन के करीब हो, थ्रेटेंड, जो जिनका एक्सटिंक्शन
मतलब एक्सटेंट हो रही है, ठीक है। सो 39 की बात करते हैं बच्चों, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन XC2 कंजर्वेशन एक्सेप्ट, सब इसमें से XC2 के एग्जांपल हैं, एक्सेप्ट एक इसमें से नहीं है, वो इन सीटू का, इन सीटू कंजर्वेशन का, ठीक है। बताओ यार 49, 49 क्या हो जाएगा? सेक्रेट ग्रूव्स किसमें आता है बच्चों? सेक्रेट ग्रूव्स आता है आपका इन सीटू में, ठीक है, और ये सब आ जाएंगे आपके XC2 कंजर्वेशन में। 39 का बी किसने दिया सबसे पहले? जशन ने दिया हुआ है। 40 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू XC2 कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स ऑफ एंड प्लांट्स। देख रहे हो ना, कंटिन्यूअसली इसी से क्वेश्चन है बच्चों, XC2 इन सीटू, XC2 इन सीटू, XC2 का पूछा है ना, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, हिमालयन रीजन या फिर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क किससे रिलेटेड है बच्चों? XC2 कंजर्वेशन से, ठीक है। सो 40th का डी किसने दिया है? नव्या ने दिया है सबसे पहले। 41 की बात करते हैं बच्चों, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इज नोन एज, ठीक है। बताओ यार मैंने एक, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अभी जितने लोग हो आप लोगों को मैंने एक इमेज भेजी थी, ठीक है, जो उस दिन छूट गया था बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन वाले चैप्टर में, लास्ट में कुछ बात छूट गई थी, वो मैंने भेजा था, आप लोगों ने उसको नोट डाउन किया कि नहीं किया है? ठीक है, नोट किया था कि नहीं किया था सब लोगों ने? बायोस्फेयर के तीन रीजंस बताए थे हमने, एक को मैंने कहा था कोर जोन, एक को हमने कहा था बफर जोन, और एक को हमने कहा था ट्रांजिशनल जोन। हाँ कर लेना उसको, इम्पोर्टेंट है, वहीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। विच लीगली प्रोटेक्टेड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी, वहां पे डायरेक्टली मैंने लिखा था बच्चों कोर जोन में कि यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होती, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बफर जोन में थोड़ा बहुत आप रिसर्च कर सकते हो, ट्रांजिशन जोन में आप रह भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो आपका कोर जोन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन वहीं से था, और ये आपके एनसीईआरटी में नहीं था बच्चों, ठीक है, ये चीज आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी 2017 में पूछा गया, इसी वजह से मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो 42 की बात करते हैं, हाउ मेनी हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय नॉर्मन मेयर, ठीक है। मेयर तक देखो, इसीलिए टिल डेट दे दिया है, प्रेजेंट टाइम नहीं दिया था, ठीक है, टिल मेयर तक दे दिया। मेयर के टाइम तक कितने हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिस्कवर्ड किया जा चुका है? नंबर डायरेक्टली दिया हुआ है बच्चों 42, 34, सॉरी 34, डायरेक्टली नंबर दिया हुआ है 34, है ना। सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 का आंसर किसने दिया है सबसे पहले? 42 का, 42 का, 42 का जशन ने दिया है, ठीक है। 43 की बात करते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज होम टू फेमस मस्क डियर और हंगुल, ठीक है। मस्क डियर और हंगुल का ये माना जाता है कि उनका, उनके लिए एक तरीके से घर है, सबसे ज्यादा वो वहीं पे पाई जाती है, ठीक है। कैबुल कम जाओ नेशनल पार्क, मणिपुर या फिर बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, या फिर इगलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश, या फिर डेचिगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। बताओ भाई, ये तो मैंने बताया ही नहीं यार, ये कहीं एनसीईआरटी में था ही नहीं, है ना, ये आउट ऑफ द सिलेबस है यार, ठीक है। कहाँ पाया जाएगा भाई डेचिगम नेशनल पार्क जम्मू, ठीक है। मस्क डियर से बच्चों परफ्यूम बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है, मस्क डियर के परफ्यूम सबसे बढ़िया होते हैं और बहुत महंगे भी होते हैं, ठीक है।
सो 44 की बात करते हैं, द स्पीसीज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर, ठीक है, कहीं और नहीं पाई जा रही है, कितनी बार पूछोगे? रिपीटेड, कितनी बार पूछोगे? एंडेमिक स्पीसीज, 44 का ए हो जाएगा, ठीक है। 45 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें से कौन है जिन पर दोनों पेयर को करेक्टली कॉम्बाइन किया गया है, ठीक है। हाँ, मॉड्यूल वगैरह में ही दिया जा सकता है, ठीक है, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है इनसीटू कंजर्वेशन सीड बैंक, और उसके बाद में एक्सीटू कंजर्वेशन नेशनल पार्क, इनसीटू कंजर्वेशन सेक्रेट ग्रुप्स, इनसीटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क आता है, सही बात है, एक्सीटू कंजर्वेशन में बॉटनिकल गार्डन आता है, ये तो कई बार आप लोगों, एक सीटू इन सीटू कंजर्वेशन में क्रायो प्रिजर्वेशन आता है, ऑफ साइट है, तो एक सीटू होगा, ठीक है, इन सीटू नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। 45 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कितने लोग 45 का सी दे, एडवांस एक सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू तो है ही नहीं यार, है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ साइट है ना, ऑफ साइट है ना, ऑफ साइट कंजर्वेशन हो रहा है, तो एक तरीके से क्रायो प्रिजर्वेशन तो है लेकिन इन सीटू नहीं है, ठीक है, सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रुक गया है क्या भाई? नहीं यार, चल रहा है भाई, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। 47 एग्जाम्पल ऑफ इक्सीटू कंजर्वेशन नेशनल पार्क सीड बैंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सेक्रेट ग्रुप्स, क्या होगा भाई इक्सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल? 47, 47 का बताओ बच्चों, फोर्टी सेवन का सीड बैंक, सीड बैंक इक्सीटू में आएगा और उसके अलावा सब आ जाएंगे इन सीटू, ठीक है। 48 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, इसमें से कौन है जो एक्सीटू कंजर्वेशन में यूज नहीं किया जाता है, शिफ्टिंग ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बॉटनिकल गार्डन, फील्ड जीन बैंक या फिर सीड बैंक, देखो भाई एक्सीटू कंजर्वेशन में तो आपको पता है बच्चों, एक्सीटू कंजर्वेशन में आपके बॉटनिकल गार्डन्स और इंस्टीट्यू बॉटनिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह सीड बैंक्स वगैरह आ जाएंगे, लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपका एक्सीटू में नहीं आएगा, सो 48 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 49 की बात करते हैं, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज, सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया में कौन है बच्चों? वाल्मीकि या नागार्जुनगर, श्री सैलाम या फिर प्रियर या फिर नगर हो, बताओ यार, ये सब बहुत खतरनाक टाइप के क्वेश्चन कहाँ से दे दिया इसमें, बायोडायवर्सिटी नहीं थी भाई। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, नागार्जुना सागर, नागार्जुना सागर को कहा जाता है श्री सैलाम में पाया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। हाँ, किसने दिया है 49 का आंसर? ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा स्ट्रीमिंग स्लो हो गई होगी, मैं इसको फास्ट कर दूं, अब सही रहेगा बच्चों, अब आप लोग टाइम पे आंसर दे पाओगे, सब लोग थोड़ा सा वो कर लो, ठीक है। 50 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया इज एन हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी, ठीक है, ईस्टर्न घाट या गैंगेटिक प्लान या फिर सुंदरबन या फिर वेस्टर्न घाट, कौन है जो इंडिया का हॉटस्पॉट है, ठीक है, 50 का बताओ बच्चों, अब सही रहेगा,
वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट। सब लोगों ने सही दिया आंसर। 50 का आंसर किसने सबसे पहले दिया है बच्चों? सबसे पहले दिया है नव्या ने। अब आप लोग मेरे साथ ही बात करोगे, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। सबसे पहले, द डिजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हैव वेरी हाई लेवल ऑफ डिजर्ट एनिमल्स स्पीसीज एज वेल एज न्यूमरस रेयर इम्प्लांट्स। लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ बीटी कॉटन हैज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडायवर्सिटी। क्यों नहीं भाई? वेस्टर्न घाट हैव वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड इंडेमिज्म। इंडेमिज्म का मतलब जो वहीं की स्पीसीज हैं वहीं पाई जाती हैं और कहीं नहीं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था ये बात, ठीक है। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इज जस्ट फैड और परसूड बाई डेवलप कंट्रीज, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। ओके, सो 51 का सी किसने दिया है? 51 का सी सबसे पहले जशन ने दिया। तो युवराज तुम्हारा नाम नहीं लिखा जाएगा आज क्या? सेक्रेट ग्रुप्स आर स्पेशली यूजफुल इन। सबका नाम लिखा गया, सिर्फ युवराज का नाम नहीं लिखा गया, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आज युवराज का नाम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। सेक्रेट ग्रुप्स आर स्पेशली फाउंड इन यूजफुल इन जनरेटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस या प्रिवेंटिंग सॉयल इरोजन, या फिर कह रहा है ईयर राउंड फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स, या फिर कंजर्वेशन कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज। बताओ यार, सेक्रेट ग्रुप्स का मेन काम क्या है? थ्रेटेंड स्पीसीज का बताओ किस टाइप का कंजर्वेशन है? इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होगा ये बताओ भाई। सेक्रेट ग्रूव्स इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल होगा क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं उसके हम लोग नेचुरल हैबिटेट में ले जाकर रखते हैं कि ठीक है। युवराज का नाम नहीं लिख जाएगा, देख लेना अभी चाहे तुम लोग। 52 का सबसे पहले किसने दिया? प्रबल ने दे दिया, ठीक है, तो प्रबल का नाम लिखा जाएगा। 53 की बात करते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी एंड विथ वन और टू ब्लैंक्स, ठीक है, आपको उसमें से करेक्ट करना है। देखो बात करते हैं, सबसे पहला बियर गो इन टू कहाँ पे जाएगा ड्यूरिंग विंटर और उसमें, ठीक है, बहुत बढ़िया सीजन में जाएगा। कह रहा है ए समर में जाएगा, विंटर में जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा? ए कॉनिकल एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस रिप्रेजेंट्स ह्यूमन पॉपुलेशन। ए वास्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर इज एग्जांपल ऑफ एरिया ऑफ एरिया विद हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस इज नोन एज। अब चलो बताओ सब लोग बच्चों, जल्दी से बताओ। हमने चार बार नाम नहीं लिखा, ऐसा ऐसी गलती हम कहाँ कर सकते हैं युवराज? ऐसी गलती हम क्यों करेंगे? चार बार तुमने आंसर दिया, चारों बार हम तुम्हारा नाम नहीं लिखेंगे। इसका मतलब जितनी स्लाइड्स पे मैंने मिस किया होगा उन सब पे पहले युवराज ने ही नाम दिया होगा। हाँ हाँ जी, देखो पहली बात तो बियर गो इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर। हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर एंड एस्टिवेशन हाइबरनेशन एंड विंटर टू कोल्ड वेदर, ठीक है, टू स्केप कोल्ड वेदर, ठीक है। उसके बाद में कॉनिकल एज पिरामिड ऑफ, ठीक है, कॉनिकल एज पिरामिड ऑफ बेस रिप्रेजेंट्स ए स्टेबल पॉपुलेशन, ठीक है, ठीक है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेबल नहीं, एक्सपेंडिंग को, ठीक है। ए वास्ट पॉलिनेटिंग फिग फ्लावर इज एन एग्जांपल ऑफ, फोर्थ दिया हुआ है किसका बच्चों? फोर्थ म्यूचुअलिज्म, तो ठीक है, तो ये होगा नहीं, इसमें दिया ही नहीं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एन एरिया विद हाई स्पीसीज रिचनेस जहाँ पाई जाएगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं, ठीक है। सो ए में कह रहा है बच्चों तीसरा स्टेबल है, तीसरा स्टेबल नहीं है, एक्सपेंडिंग है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। बी में कह रहा है ए एस्टिवेशन है जो कि हाइबरनेशन, इनकरेक्ट हो गया। सी में कह रहा है तीसरा एक्सपेंडिंग है, देन ठीक है। चलो 54, अभी युवराज तुम्हारे पास मौके हैं, ठीक है, अभी ताकत लगा लो अपनी,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सी टू कंजर्वेशन, इसमें से कौन है एक्स सी टू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, जिन लोगों ने सेशन को लाइक ना किया हो बच्चों लाइक कर लिया करो। ठीक है, कौन इसमें से एक्स सी टू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सीड बैंक या सेक्रेट ग्रुप्स या फिर नेशनल पार्क, बताओ भाई। फिफ्टी फोर, कौन इसमें से एक्सीडो कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है? सीड बैंक और सब क्या है, नेशनल पार्क, सेक्रेट ग्रुप्स, ये सब क्या है इन सीटू। ठीक है यार, इतना ज्यादा मैं इन सीटू और एक्सीटू करवा दूंगा ना कि आज से शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, किसने दिया 54 का आंसर सबसे पहले? नव्या ने दिया। ठीक है, अभी युवराज चांस लगा लो अपना, बहुत जल्दी चांस ओवर होने वाला है। टाइगर इज नॉट रेजिडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, किसमें टाइगर नहीं पाया जाएगा? सुंदरबंस में तो मूवी बन गई पूरी, गिर में भी, जिम कॉर्बेट या फिर रणथंभौर, बताओ। बहुत खतरनाक खतरनाक आपको मिलेगा। टाइगर इज नॉट कहाँ पे नहीं पाया जाएगा? अभी गिर पे। ठीक है अच्छा प्रिया, तुम लेट करके आई हो, और वो भी इतना लेट करके आई। हाँ अच्छा भाई, ठीक है, आज पूरा डाइवर्सिटी का समझ लो, क्वेश्चन को सब कुछ आपने मिस कर दिया। ठीक है, सारे क्वेश्चन, इतनी दौड़ हो रही थी, बताओ। अभी तक 55 क्वेश्चन हो चुके हैं परिया, लेकिन एक जगह पर भी युवराज का नाम नहीं लिखा गया है, समझ लो बच्चों, कहीं पर युवराज का नाम है। युवराज का नाम लिखना मतलब समझ लो कि आज जरूरी है। अभी दो चार क्वेश्चन है युवराज तुम्हारे पास, मौके हैं। ठीक है, कहाँ पे नहीं पाया जाएगा? गिर में। ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाता है बच्चों? गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, गुजरात में पाया जाता है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, जूनागढ़ में, गुजरात के कहाँ पे बच्चों? जूनागढ़ में। ठीक है, लैग नहीं है यार युवराज, सबका लैग है क्या यार? मेरे मोबाइल जो सामने चल रहे उसमें तो लैग नहीं होता है, एकदम जबरदस्त चल रही है, दिख रहे हैं हम बढ़िया से, है ना? कोई बात नहीं परी है, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम से आ जाया करो क्लास। आप लोग तो बच्चों देखो, और कोई आए ना आए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा यार टाइम से क्लास में जरूर आ जाया करो। ठीक है, 4 बजे का, इसीलिए मैं टाइम, अगर देखो कल टाइम नहीं हो पा रहा था, 4 बजे का टाइम नहीं मिल पाया मुझे, कल मैंने क्लास नहीं ली। ठीक है, तो 4 बजे का टाइम मेरे लिए फिक्स है और इसी टाइम पे क्लास होती है, तो जब भी आप जहां भी रहें, दुनिया के किसी कोने में रहें, तो आप जरूर इस टाइम पे आ जाया करें, और कम से कम अगर आप रास्ते में हो तो आ करके अपना नाम लिख करके बता दो, सेशन को लाइक कर दो, उसके बाद चले जाया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, अब युवराज तुम्हें इतना आसानी दे दी, उसके बाद अगर तुम नहीं बताओगे तो क्या मसला है। ठीक है, इसमें से कौन है नॉट ऑब्जर्व्ड इन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट? लेसर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन स्पीसीज रिचनेस एंडेमिज्म एक्सेलरेटेड स्पीसीज लॉस। ये भी सही है, हॉटस्पॉट में मैंने बताया था आपको एंडेमिज्म भी होगा, स्पीसीज रिचनेस, लेकिन लेसर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा आपको हॉटस्पॉट में। 56 का ए, किसने दिया 56 का ए सबसे पहले? जशन ने दिया है। ठीक है, जशन ने दिया है। बस बहुत जल्दी क्लास भी ओवर हो रही है बच्चों, बस थोड़ा देर। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन कहां पे की गई थी? अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, स्वीडन। ठीक है, पहली तो रियो डी जेनेरियो में हुई थी, दूसरी कहां पे हुई थी? अफ्रीका में हुई थी। ठीक है, जो कि किस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे थी, तो वो कहां पे हुई थी बच्चों? अफ्रीका में हुई थी। किस ईयर में हुई थी वो? तो पहली वाली तो हुई थी 1992 में ना, रियो डी जेनेरियो वाली 1992 में हुई थी। ठीक है, और साउथ अफ्रीका वाली कब हुई थी बच्चों? आई थिंक 2010 में हुई थी ना, आई थिंक 2010 में या 2002 में, शायद नहीं 2002 में, 2002 में हुई। ठीक है,
किसने दिया आंसर इसका? 57 का आंसर सबसे पहले किसने दिया? युवराज ने तो नहीं दिया होगा ना। चलो भाई, 57 का बी दिया है सबसे पहले जशन ने, ठीक है। 58 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ द हैबिटेट एंड पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑड चूज करना है। सब लोगों ने सेशन को लाइक कर लिया है कि नहीं पहले बताओ जल्दी से। सुंदरबंस में टाइगर बंगाल बंगाल टाइगर, या उसके बाद में पेरियार में एलिफेंट, और रैन ऑफ कच्छ में वाइल्ड एस, और उसके बाद में टैचिगम नेशनल पार्क में लूस, ठीक है यार। 2005 के बाद तो क्वेश्चन बंद कर दूंगा, ठीक है। 2005 के बाद क्वेश्चन बंद कर दूंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बस ये तुम्हारा नाम नहीं आ रहा, यही थोड़ा तकलीफ हो रही है यार कि बताओ, इतनी मेहनत करने के बाद लड़का, उसके बाद नाम नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। सबके नाम आ गए, जितने बच्चे इस क्लास में, सबके नाम आ गए, लेकिन बताओ सिर्फ युवराज का बच्चा है। 59 की बात कर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर हॉटस्पॉट ऑफ बॉर्डर सी इन इंडिया। सब कौन है बच्चों हॉटस्पॉट बॉर्डर सी इंडिया का? अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट, इंडो गैंगेटिक प्लान, या ईस्टर्न घाट? कौन है बच्चों इंडिया का हॉटस्पॉट कौन है? 59 मैं देख रहा हूँ आंसर किसका आ रहा है। 59 का आंसर कौन दे रहा है? जल्दी करो फास्ट। हाँ बहुत बढ़िया जशन। हाँ जी क्या होगा? 59 का बी दिया है जशन ने सबसे पहले, उसके बाद नव्या ने दिया है। चलो वेस्टर्न घाट को हॉटस्पॉट कहा जाता है इंडिया का, ठीक है। 60th की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। इसमें से कौन है जो इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं आता? नेशनल पार्क, सेंचुरी, या बॉटनिकल गार्डन, या बायोस्फीयर रिजर्व? बताओ बच्चों कौन है इन सीटू में नहीं आता है? कौन एक सीटू का है? नेशनल पार्क इन सीटू का है, सेंचुरीज है, और उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व भी आपका है इन सीटू में, लेकिन बॉटनिकल गार्डन आपका किसमें है बच्चों? एक से सीटू में है, क्योंकि ऑफ साइट कंजर्वेशन हम लोग करते हैं, इंडेंजर्ड को ला करके किसी प्रोटेक्टेड एरिया में रखते हैं। सो वो हो जाएगा आपका सी। 60th का सी किसने दिया सबसे पहले? जशन ने ही दिया है, ठीक है, आज तुमने, ठीक है। बस उसके बाद में द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विथ पेयर ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल इन नेशनल पार्क, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, केवलादेव नेशनल पार्क, लायन, कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइनोसॉरस, काजीरंगा नेशनल पार्क, वाइल्ड एज, उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, बताओ जरूर। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? मैंने पहले ही बताया बच्चों कि आसाम में पाया जाता है, ठीक है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ? आसाम में, वहां पे राइनोसॉरस, राइनोसॉरस जो है वो क्या है, वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसको वहां पे प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। आज मैं बहुत परेशान हूँ नेट की प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं राज, कोई बात नहीं, मैं मान लिया हूँ तुम्हारी बात, ठीक है। सो 61 का सी किसने दिया? 61 का सी अरे कोई बात नहीं युवराज, मैं मजाक कर रहा हूँ पागल, मैंने मजाक किया है खाली, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है आप आराम से आंसर करें, किसी को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इस किस ईयर बायोडाइवर्सिटी एक्ट को इंडिया में पास किया गया था बच्चों? बस क्लास आपकी ओवर होने वाली है, 2 मिनट आप रुके। 1992, 1996, 2000 या 2002 में? बताओ भाई कब पास किया गया था बायोडाइवर्सिटी एक्ट इंडिया में? 2002 में पास किया गया, ठीक है। 2002 में 62 का डी किसने दिया? नव्या ने दिया सबसे पहले। चलो जी लास्ट क्वेश्चन ये था, बस अब यार 2004 बार ना कर, ठीक है, बस वही लास्ट कर। अब धन्यवाद यार आप सबका, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ कोई बात नहीं, मैं भी क्लास एंड ही कर रहा हूँ बच्चों यहाँ से, ठीक है। कल बच्चों, हाँ एक बात और थोड़ा सा आप लोग सुन लें,
सही बात है, ठीक है फरीहा, तुमने सही कहा। क्या कहा है इसने? अरे खुदा तू बोल दे, अपने बादलों से। अच्छा, यहाँ नेट के लिए नेट के लाले पड़े हैं। सही सही। देखो बच्चों सुनो मेरी बात, कल आपकी क्लास है इन्वायरमेंटल इश्यूज की, इन्वायरमेंटल इश्यूज की, वो भी आपकी ओनली एनसीईआरटी से होगा। एनसीईआरटी से रिवीजन होगा और वो भी मैं कोशिश करूंगा बच्चों वन शॉट सेशन लेकर के किसी तरीके से इसको कल कंप्लीट कर लूं। बच्चों मेरे पास 2 दिन का टाइम है। बहुत बढ़िया प्रबल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बच्चों। आप सब क्लास में आ जाया करो, ऐसे ही थोड़ा बहुत आ जाया करो, ठीक है। कल बच्चों कोशिश करूंगा कि मैं कल ही इस चैप्टर को निपटा दूं, इन्वायरमेंटल इश्यूज को। अगर नहीं हो पाया तो परसों मैं इस पूरी यूनिट को, मतलब समझ लो इस पूरे यूनिट का खात्मा कर दूंगा, ठीक है। इस यूनिट को खत्म कर दूंगा, ठीक है, मतलब खल्लास कर दूंगा, ठीक है। एक तरीके से अनिल कपूर स्टाइल में बोला जाए तो खल्लास कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है। अरे नहीं यार युवराज, निराश क्यों करोगे भाई तुम लोग यार? ऐसी बात नहीं बच्चों, ठीक है। निराश तुम लोग क्यों करोगे यार? ऐसी बिल्कुल गलत बात बिल्कुल ना सोचा करो, ठीक है। बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मजा आएगा बच्चों। देखो पहली बात तो यार तुम लोग बस पढ़ाई करते रहो, और पढ़ने से अगर आप लोग क्लास करते रहो बच्चों तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है, ठीक है। कोई बात नहीं जशन, कोई बात नहीं। अगर और भी काम है आपके पास तो आप अपना काम देखिए, आपका पढ़ाई का शेड्यूल है, आप जो भी कर सकते हैं करिए। जरूर इंशाल्लाह भैया, जरूर मैं वेट करूंगा। सब लोग बच्चों कल अपने टाइम पे आ जाइएगा, जितने लोग अभी 8-10 लोग हो क्लास में उन सब से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आप सब कल 4 बजे आ जाइएगा बच्चों। मुश्किल से मैं कोशिश करूंगा 2 घंटे में आपका इस चैप्टर को खत्म करने के, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं कल, ठीक है। कोई बात नहीं युवराज, कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप कर ले जाओगे, ठीक है। अगली बार कर ले जाओ, ठीक है, परेशान ना हो। ओके आगे बढ़े, चलो क्लास को एंड करते हैं बच्चों।